गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एमसिंह फॉर्नेस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज बात होगी बिहार अमीन और बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में, साथ ही साथ बीएससी का जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जामिनेशन है पीईटी है वो आज से शुरू होने वाली है, उसकी सारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है पटना जू में, उस पर डिटेल से बात होगी। तो आइए हर एक चीज़ को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग भारत के बाहुबली, जी हाँ, नीरज चोपड़ा। कल आपने निश्चित रूप से इस हसीन मोमेंट को देखा होगा जिसने भारत को 121 साल के बाद एथलीट में पहला गोल्ड मेडल दिलाया। हालांकि 2008 में इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने मतलब कि शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन वो अलग स्पर्धा था, लेकिन एथलीट में ये पहला गोल्ड मेडल था। और कुल भारत को 7 को मतलब कि मेडल मिले हैं इस बार टोक्यो ओलंपिक में, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है भारत के लिए। कल खुशी का माहौल था, तो ये निश्चित रूप से एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। ओलंपिक पे एक डिटेल वीडियो मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ जो कि आगामी सारे एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। वहाँ पर 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बीएड का जो एग्जामिनेशन है, देख लीजिए बिहार बीएड का जो एग्जामिनेशन है उसका आपको पता है कि कब से होने वाला है, तो आपको 13 अगस्त को होने वाला है। और कितने जगहों पे होने वाला है, तो 276 केंद्रों पर होने वाला है। इसके संबंध में जो बिहार के राज्यपाल और जो कुलाधिपति हैं फागू चौहान, उन्होंने कहा कि भाई जो भी ये एग्जामिनेशन हो वो कदाचार मुक्त होना चाहिए। और इसमें देखिए कितने स्टूडेंट ने मतलब कि फॉर्म भरा है एग्जामिनेशन के लिए, तो 136,772 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे, इतने लोगों ने फॉर्म भरा है। बैठक के दौरान राज्यपाल ने आदेश दिया कि बीएड प्रवेश परीक्षा को स्वच्छ और कदाचार मुक्त कराएं। परीक्षा आयोजन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन होना चाहिए। इससे पहले राज्यपाल को सभी प्रमंडलीय आयुक्त, परीक्षा नोडल यूनिवर्सिटी, एलएन मिश्रा विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलाधिपति प्रोफेसर एस बी सिंह, बीएड प्रवेश परीक्षा के नोडल ऑफिसर प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने परीक्षा की तैयारी की जानकारी दी। बैठक में राज्यपाल के सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू भी मौजूद थे। राज्यपाल ने कहा है कि कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित करना संबंधित विश्वविद्यालय के अधिकारियों, प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं परीक्षा कार्य के सूर्य कर्मचारियों की जिम्मेदारी होगी। विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी की तैनाती की जाए। उन्होंने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को जिलाधिकारी के साथ बैठक कर परीक्षा संचालन की मतलब सफल बनाने के लिए अपील किया। तो चलिए, ये अच्छी बात है कि बीएड का एग्जामिनेशन आपको 13 अगस्त को होने वाला है और ये बड़ा ही प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है। 2 साल से लगातार एलएनएमयू इसको होस्टिंग कर रहा है। अब देखना है कि ये कैसा एग्जामिनेशन जाता है। उसके बाद है आपको अमीन का जो एग्जामिनेशन है, देखिए अमीन का ऑनलाइन परीक्षा 10 से प्रशासन की नज़र। पटना में 18 ऑनलाइन सेंटर पर दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त, हर कंप्यूटर के लिंक की होगी निगरानी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अमीन की बहाली के लिए 10 अगस्त से ऑनलाइन परीक्षा करा रहा है। 3 दिनों तक पटना के 18 ऑनलाइन सेंटर पर परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा का लिंक हैक कर सेंटर के बाहर से सॉल्वर गैंग अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका भरकर जमा करने के लिए सक्रिय हो गए हैं। देखिए, ये भी एक नए तरीके का अपने आप में मतलब कि धांधली करने का जो हैकर है उन्होंने तरीका अपनाया है कि आपको लिंक हैक करके और फिर बाहर बैठे आराम से सॉल्वर उसको हैक करके उसको अपलोड कर दें। तो इस पर भी विभाग कह रही है कि हम उस पर निगरानी रखेंगे। चलिए, भनक लगने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गई है। सभी सेंटर के सर्वर और कंप्यूटर के लिंक पर कड़ी निगरानी का प्रबंध किया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि विभाग की ओर से ऑनलाइन परीक्षा के लिए एजेंसी का चयन किया जाता है। पटना के जिन 18 ऑनलाइन सेंटर पर परीक्षा आयोजित की जाएगी वहाँ सर्वर की निगरानी के लिए दंडाधिकारी के साथ एक एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति होगी। देखिए, दंडाधिकारी तो नॉर्मली वहाँ पे जो होगा देखेगा ही, लेकिन इसके लिए आपको हाईली क्वालिफाइड कंप्यूटर एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है जो कोडिंग डिकोडिंग को क्षेत्र से जानते हैं। वही इन चीज़ों को पकड़ पाएंगे कि वास्तव में हैकिंग हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि बदलते समय में हैकिंग का जो पैटर्न है इतना बदल गया है कि आपको खुद पता नहीं चलेगा कि क्या स्थिति है और सबका सब चीज़ आपका सामने वाला हैकर लेकर चला जाता है। और इस तरह की बातें मतलब कि भनक आपको लगी है जिला प्रशासन को, तभी जाके वो एक्टिव हुई है अमीन के परीक्षा में, ठीक है ना। ऑनलाइन परीक्षा के दौरान कंप्यूटर, सीपीयू और सर्वर की सतत निगरानी के बारे में अधिकारी और परीक्षक के को एडीएम विधि व्यवस्था के माध्यम से ब्रीफिंग दी गई। परीक्षा में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। प्रशासन को भनक लगी है कि ऑनलाइन सेंटर पर हैकर सक्रिय रहते हैं। परीक्षा का लिंक हैक कर सेंटर से बाहर प्रश्न हल किए जाते हैं। प्रशासन की ओर से सभी सेंटर का के हाल में सभी कंप्यूटर, सीपीयू और अतिरिक्त डमी कंप्यूटर और सीपीयू की पड़ताल की जाएगी। देखिए, जब यहाँ पर ये बात की जाती है तो संभव है कि दूसरे एग्जामिनेशन भी इस तरह की संभावना बनती होगी कि आपको लिंक हैक करके बाहर से सॉल्व करवाया जाएगा। आपका क्या सोचना है जरूर बताएं। तो अमीन की परीक्षा जो है 10 से होने वाली है राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत और इस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अब सबसे बड़ी बात बीएससी की कर लें तो आज से 13 अगस्त तक बंद रहेगा पटना जू। जी हाँ,
और ये किसके लिए होगा, तो बीएससी का जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जामिनेशन, करीब 4500 समथिंग, 4500 के आसपास स्टूडेंट है जिनका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जामिनेशन पीईटी होने वाला है। इसको आप बोल सकते हैं कि लंबी चाल बोल सकते हैं। तो वनरक्षी पद की रिक्तियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा पटना जू में 8 अगस्त से आयोजित की जाएगी, यानी आज से आयोजित की जाएगी, यह 13 अगस्त तक चलेगी। इसके लिए पटना जू 8 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त तक आम दर्शकों के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। कोरोना संक्रमण के चलते लागू किए गए प्रतिबंधों के तहत लंबे समय से बंद चल रहे पटना जू को हाल ही में खोला गया था। दर्शकों सुबह 6 से लेकर के 12 बजे तक आने की अनुमति थी, लेकिन अब 6 दिनों के लिए पटना जू को आम दर्शक के लिए बंद कर दिया गया है इस एग्जामिनेशन के दौरान, मतलब कि वजह से। तो मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क अच्छा विकल्प है, लेकिन अभी आपको 6 मतलब कि दिन तक जितने भी यहाँ पर वॉकिंग के लिए जाते थे पटना जू में, उनको इंतजार करना पड़ेगा। और क्योंकि अभी यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड का एग्जामिनेशन है और यहाँ पर देखना है कि कितने लोग पास करते हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर पूरे बीएससी का जॉब देखिए तो मतलब कि जो फर्स्ट इंटर लेवल है 2000 ग्रेड पर यहाँ पर भी है, और यहाँ पर तो मैक्सिमम लोग पास ही कर जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो आपके रिटेंस के मार्क होंगे और आपने जो पोस्ट का सिलेक्शन किया होगा, ऑप्शन मतलब कि ऑप्शन जिस तरह से दिया होगा, फॉरेस्ट गार्ड का कहाँ पर दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये पद मिलने के चांसेस बनेंगे। और इसी के संबंध में देख लीजिए कि ये पटना जू के कुछ तस्वीरें हैं जहाँ पर ये आपका अंत एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर आपका शारीरिक जाँच वगैरह किया जाएगा, ठीक है ना, बायोमेट्रिक की व्यवस्था की जाएगी, ये ट्रैक हो गया, ठीक है। और इसी तरह का ये सब देख लीजिए जो वहाँ पर तैयारी की गई है, यहाँ पे बैठने की व्यवस्था की गई है, ये भी आपका मतलब कि यहाँ पे सिस्टम वगैरह कंप्यूटर वगैरह लगे होंगे, ये ट्रैक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो वहाँ पे आपको फॉरेस्ट गार्ड के एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी तैयारी की गई है कि किसी तरह का धांधली, किसी तरह का क्योश ना हो और सब कुछ इत्मीनान से हो जाए। आपको पता है कि बहुत पहले ही आपके रोल नंबर के साथ पीडीएफ जारी कर दिया गया है बीएससी की वेबसाइट पर, उसके अकॉर्डिंग आपका डेट भी शेड्यूल कर दिया गया है आपको किस दिन के लिए बुलाया जाएगा। 2 शिफ्ट में बुलाया जा रहा है, 1 6 बजे और 1 9 बजे, दो ही टाइमिंग में बुलाया जा रहा है। अब उनका लगभग 4 घंटा 4.5 घंटा का एक पूरा लंबी चाल होगी, उसके बाद आपका उसमें फाइनल का, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, यहाँ पर आपको मेरिट नहीं बनेगा, मेरिट बनेगा आपको सिर्फ और सिर्फ रिटेन के मार्क्स के आधार पर। तो ये एक अच्छी सोच और एक अच्छी पहल है मतलब कि बीएससी के बारे में। अब देखिए, अब बीएससी का सिचुएशन ये बन रहा है कि वनरक्षी का जैसे ही खत्म हो जाएगा तो लगभग इसके जितने भी पीईटी थे, टाइपिंग तो उन्होंने बहुत पहले ही ले लिया है, ठीक है ना, तो पीईटी वगैरह भी खत्म हो जाएगा, 13 अगस्त तक चल रहा है। तो उम्मीद कीजिए कि बहुत जल्द इस महीना के ख़त्म होते होते आपको काउंसलिंग वगैरह का जो डेट जारी कर दिया जाए, और काउंसलिंग वगैरह होने के बाद आपके फाइनल रिजल्ट भी जल्द से जल्द पब्लिश कर दिया जाए। बीएससी वाले ने बहुत ही ज़्यादा 7.5-8 साल का इंतज़ार किया है, तो ये अपने आप में एक क्या कह सकते हैं, इसमें तो एक जनरेशन ही कंप्लीट हो जाता है। मतलब जो पढ़ाई करने वाली एक जनरेशन होती है, मुश्किल से अमूमन 7-8 साल तक तो करती है एक जनरेशन, उसमें निश्चित रूप से एक पार कर जाता है। जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट होते हैं उनका जनरेशन इतना ही होता है, ठीक है ना। तो एक जनरेशन जो पढ़ाई करने वाले का, उसका ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। अब देखना है कि इसमें कितने लोग आते हैं बाहर निकल कर और किनका फाइनली सिलेक्शन होता है। पद काफ़ी अच्छे हैं, और जब आयोग ने कहा है कि हम 2.5 गुना जो है लोगों को बुलाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो अच्छी बात है यहाँ पर भी। और कोशिश बस ये होनी चाहिए हर एक तरह से कि सीटें खाली ना जाए, ठीक है ना, सीटें फिर से बैकलॉग में ना चला जाए, ताकि मतलब कि जितने भी सीटें हैं वो मैक्सिमम कोशिश ये होनी चाहिए, छात्रों की डिमांड और हर एक लोगों की डिमांड, हम इस चीज़ की डिमांड करते हैं कि वो भर जाए, वो सीट खाली नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस कंडीशन में 8 साल के इंतजार के बाद यदि सीट खाली रह जाता है किसी भी कारणवश से, तो निश्चित रूप से ये क्या बोल सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ज्यादती हो जाएगी सारे कैंडिडेट के लिए जो बीएससी के कैंडिडेट हैं। तो आज का यही अपडेट है, आगे जो भी इसके संबंध में अपडेट आता है हम आपको जल्द से जल्द अवगत करवाएंगे। यदि चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर भी जरूर करें।